सोचते हैं कि 80 घाट है, यानी कि 80 घाट है, तो लोग सोचते हैं कि 80 मतलब 80 घाट यहाँ पे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 80 नदी बहती थी, 80 मतलब 80 नहीं है, 80 है। तो ये है 80 घाट और मोहल्ला 80। पिक्चर देख के मैं बार बार इंस्पायर हुआ और मैं बार बार मतलब बनारस आया और 80 घाट पे ही रुका, मतलब मेरा बहुत मन करता है, लेकिन वाकई खूबसूरत है 80 घाट। तो बनारस क्या है, घाटों के लिए जाना जाता है, तो हर ब्लॉग में सबको दिखाई नहीं सकते हैं, तो याले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे आज सारे बनारस के घाट। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो हम लोग आए थे पहले लखनऊ से बनारस से, उसके बाद हमने आपको दिखाया था सारनाथ, सारनाथ के बाद दिखाया था मैंने आपको गंगा आरती, अगर आपने नहीं देखी है तो रिकैप पे देख लेना पुराने ब्लॉग मेरे। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था बनारस की सुबह कैसी होती है, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बनारस के जो फेमस घाट हैं वो क्या है, वो कि आज मैं आपको बाय बोट नहीं दिखाऊंगा, मैंने पिछली बार एक बोट का वीडियो बनाया था, उस वक्त क्या था कि गंगा का पानी स्तर बहुत ऊपर था, तब मैं आपको पूरा घाट ऐसे नहीं दिखा पाया। तो आज मैं आपको यहाँ से घाट दिखाऊंगा पैदल पैदल, मतलब 80 घाट से हम चलेंगे पैदल और चलेंगे पूरा मणिकर्णिका या दशाश्वमेध घाट तक हम लोग पैदल पैदल चलेंगे। ये हमारा आज का मतलब टारगेट है मेन। तो आप देख रहे हैं ये सामने है 80 घाट, उधर सुबह बनारस वाला प्रोग्राम चल रहा है, सब मुस्लिम पीपल आ गए हैं, सामने उधर बीच है, आप नदी पार करके बिल्कुल जा सकते हैं, ये नदी पार करके सामने जाके घोड़े में बैठ सकते हैं, मूर्ति राइड कर सकते हैं, वहाँ पार जाके नहा सकते हैं, मतलब बहुत सुंदर सुंदर नज़ारा है। उस साइड टेंट लगे हुए हैं, अभी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको कुछ देर बाद दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ का दिलकश नज़ारा। तो हम लोग घूमेंगे आज सारे बनारस के घाट, और घाट में आपको दिखाऊँगा बाय वॉक निहारिका और इसका भाई, दोनों फिर से गायब हो गए हैं क्योंकि मैं इनको ढूंढते उठे से जाता हूँ। तो 80 घाट के बाद हम लोग पहुँचे हैं तुलसी घाट। तो ये है तुलसी घाट, यहाँ पर देखिए लोग बैठे हुए हैं, पूजा वूजा कर रहे हैं, नहा रहे हैं। सामने जो बोट है बहुत प्यारी लग रही है, यह मैं इसी बोट को देखा था, मेरे सब स्नान कर रहे हैं ऐसे, और वो देखिए सामने बोट है कितनी खूबसूरत लग रही है, ये वाली मैं माता जी की मूर्ति लगी हुई है, ऐसे यहाँ से घाट का नज़ारा। अभी कोहरा छटा नहीं है, कोहरा छटेगा तो नज़ारा काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा कुछ देर बाद। और तो ये सामने है जानकी घाट, यहाँ पर भी लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पर नहाने के लिए काफ़ी अच्छा है। 80 घाट में नहाने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जहाँ बाकी जो घाट हैं उनमें नहाने की अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि जो किनारा है ना पूरा का पूरा बना हुआ है सही ढंग से, और आराम से आप नहा सकते हैं। यहाँ पर माता आनंदमयी घाट, तो यहाँ पर भी नहाने के लिए मतलब थोड़ा काफ़ी अच्छा भरा हुआ है पूरा घाट। वो सामने आप देख रहे हैं उधर पे टेंट लगे हुए हैं, थोड़ा उजाला हो जाए तो टेंट आपको दिखाऊंगा। तो टेंट का किराया एक रात का 8000 रुपये पर पर्सन है, उन्हें एक टेंट का किराया, तो यानी कि अगर फैमिली उठेगी तो उसे 8000 रुपये पर पर्सन किराया देना पड़ता है। तो ये सामने है प्रभुदास जैन घाट, कैसा लग रहा है घाट पर पैदल घूम के? अभी थके नहीं, थकोगे नहीं, यहाँ घाट पे नहीं थकोगे, रोड पे थक जाओगे लेकिन घाट पे नहीं थकोगे। तुम कैसे फील कर रहे हो? बढ़िया। अच्छा। घाट पे, घाट पे मतलब पैदल चलने में, घाट पर सफाई कैसे लग रही है? अच्छी है, सफाई भी अच्छी है, घाट बिल्कुल साफ सुथरे हैं, और साथ साथ में घाट में घूमने में आ रहा है काफी मजा यार। और लोग ऐसे कुछ मतलब ये बनाते हैं ना, जब लेवल होता है मतलब जब वाटर लेवल होता है वहाँ तक वाटर लेवल होता है, घाट की सारी सीढ़ियाँ डूब जाती हैं जब पानी गंगा जी में ज्यादा होता है। तो उसके बाद वह है पंचकोट घाट, ऐसे घाट के नाम आ रहे, कुछ घाट में छोटे छोटे जो है वो स्किप कर रहा हूँ, मतलब जब आप घाट पे वॉक करोगे तो आपको बहुत सारे घाट दिखाई देंगे, आप बोलोगे आदि के ब्लॉग में तो कम घाट थे, और इसमें ज़्यादा है ऐसा नहीं है। बीच जो छोटे छोटे घाट हैं वो स्किप कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े घाट हैं वो आपको मिले। नीरंजनी घाट, और उसके बाद है महानिर्वाणी घाट, उसके बाद है शिवाला घाट,
तो ऐसे छोटे छोटे घाट आते आ रहे हैं। इन घाट के साथ साथ मतलब मंदिर भी हैं, ऐसा नहीं कि घाट का मंदिर है, जो जो घाट का नाम है तो उसके टॉप पे मंदिर भी बने हुए हैं। वहाँ पे अलग अलग टाइप के ना बाबा लोग रहते हैं, हर मंदिर पे कोई ना कोई बाबा है। हनुमान घाट, हनुमान जी के नाम पे हनुमान घाट है। साथ में अगर आप देखना चाहें तो बर्ड्स साइबेरियन बहुत आई हैं, ऊपर सीगल का पूरा झुंड घूम रहा है। एक्चुअली वो नाव पे बिल्कुल पास में आते हैं, अभी तक नीचे नहीं उतर रहे नाव में, देखा नहीं बैठे हुए। उनको हल्का सा कुछ खिलाएंगे तो ऐसा कुछ होता है। तो आपको मालूम है बनारस, काशी, वाराणसी एक तो फेमस है। एक तो यहाँ का जो वह है ना घाट काफ़ी फेमस है, यहाँ पर काशी विश्वनाथ बाबा का मंदिर है। साथ साथ में इंडिया में मात्र एक ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। तो 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है, तो हम लोग पहुँच गए हैं राजा हरिश्चंद्र घाट, जहाँ पर मतलब दाह संस्कार होता है, और साथ साथ में मणिकर्णिका घाट है, इसके बाद हम वहाँ भी जाएंगे। तो मतलब जो अंतिम संस्कार जो होता है 24 घंटे, वो होता है सिर्फ बनारस में, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मतलब सिर्फ एक बनारस ऐसी जगह है, तो इसलिए भी बनारस काफ़ी फेमस है। तो यह है महाराजा हरिश्चंद्र घाट, आप देख रहे हैं ये सबसे फेमस घाट है बनारस का, महाराजा हरिश्चंद्र घाट। ये देखिए जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो होती है बनारस से। तो ये पूरा वो राजा हरिश्चंद्र घाट है जहाँ पे अंतिम संस्कार होते हैं। नीचे हो रहा है अभी, ये सौदा करने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ऐसा है कुछ यहाँ का नज़ारा। तो ये देखिए ये सामने है, इधर विजय घाट है, उधर केदार घाट है, उधर श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर यानी केदारनाथ मंदिर भी इस घाट में, और इस घाट में काफ़ी भीड़ है। मतलब और घाट की अपेक्षा अस्सी घाट के बाद हमें लगातार चलते हुए आए तो वहाँ पर उतनी भीड़ नहीं मिली, लेकिन यहाँ आके हम लोग को काफ़ी भीड़ मिल रही है। यहाँ पर पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, पूजा वूजा कर रहे हैं, अपने भगवानों की ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मतलब पानी काफ़ी गहरा भी है ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पंडित जी लोग बैठे हुए हैं अपनी छाता लेके, लेकिन मौसम आज साथ नहीं दे रहा बस कुल मिला के। तो यहाँ पे है मानसरोवर घाट, इसकी अभी चल रही है सफाई, हफ्ता में भी एक गंदा हो रहा हो, सफाई चल रही है। मतलब है यात्रा करीब है दो ढाई किलोमीटर की, तो है घाट की यात्रा करीब दो ढाई किलोमीटर की है, लेकिन अगर बाय रोड जाएंगे अस्सी घाट से मतलब विश्वास मंदिर, तो आपको वो पड़ेगा बहुत लंबा, क्योंकि आपको ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलेंगे तो रास्ता बोरिंग हो जाता है थोड़ा। तो अगर आप घाट कसते आएंगे तो आपको कॉरिडोर भी देखने को मिलेगा, जो अभी आपको उसके बाद दिखाऊंगा, क्योंकि तो मैंने भी पहली बार कॉरिडोर देखना है कैसा है, सबसे घाट के बाहर बना हुआ जहाँ मोदी जी आए थे। तो वो कॉरिडोर देख के थोड़ा मेरे को भी आत्मा को अंदर अच्छा लगेगा कि हाँ काफ़ी ज़बरदस्त बना हुआ है। और उसके साथ साथ मतलब जो यहाँ चल रहे ना, तो इसमें बोरियत बिल्कुल नहीं है, ना थकान हो रही कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आपको खाने के लिए मिल जाएंगी, इडली इडली वगैरह, बस ये है कुछ नज़ारा। तो अभी हम पहुँचे हैं राजा घाट पे, तो ऐसा कुछ है बोट वोट अभी चल रही है, तो बोटिंग के लिए लोग आपको बोलेंगे आपको होगा। देखो उस पार भी मतलब देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है नदी के उस पार वहाँ। तो ये है चौसठी घाट, नमामि गंगे घाट की स्वच्छता में हमारा सहयोग करें, लेकिन सब लोग सहयोग कर रहे हैं। मोस्टली जितने लोगों ने लगाई है शॉप, उन लोगों ने डस्टबिन रखा हुआ है, और जो लोग आए हुए हैं घूमने के लिए वो भी डस्टबिन में ही अपना मतलब डाल रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि घाटों की साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है, थोड़ा बहुत योगदान जो 20% जो कमी है वो सब भारत की जनता को देना पड़ेगा इसे हमेशा के साथ कायम करने के लिए। तो मैं आपको जो बोल रहा था कि आपको सस्ते में मिल जाएगा नाश्ता, तो हम लोग भी सोच रहे हैं यहीं पर इडली सांभर खा ले, क्योंकि घाट अभी आधे और बचे हुए हैं, आधे हमने कवर किए। तो ये है दरभंगा घाट, तो आप देख सकते हैं
साथ साथ में ये होटल भी है इसके ऊपर, राजा राम पैलेस नाम है। तो ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी है साथ साथ में। जाएंगे नाव पे भैया? तो फिलहाल हमें बनारस के सबसे फेमस घाट पे, वो है दशाश्वमेध स्वर महादेव घाट। यहाँ पर महादेव जी का मंदिर भी है साथ साथ में, क्या यहाँ पे बहुत सारे हुए हैं अश्वमेध यज्ञ और राजा दशरथ जी के नाम पे है, तो इसलिए इसका नाम है दशाश्वमेध घाट। तो यहाँ देखो आप, इतनी भीड़ है नीचे, लोग पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं, नहाते हैं, फिर यहाँ से काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। मोदी जी गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, तो वो ये जो कॉरिडोर का रास्ता है इसी पे बिल्कुल सामने है, वहाँ पर गंगा में स्नान कर, ये ऐसे कॉरिडोर बनाया गया है। आगे को मैं दिखाता हूँ आपको कॉरिडोर पूरा। तो ये है पूरा वो कॉरिडोर, और साथ साथ में आप ये लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं। तो सोचिए कि अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको सुबह सुबह करीब 5 बजे आना पड़ेगा मंदिर के दर्शन करने के लिए, वरना आप हो जाओगे ऐसा। ये कॉरिडोर बना हुआ है, ऐसे वो लोग आते हैं यूं, वहाँ से यूं पूरा बन के। और ये है घाट, ललिता घाट, उसके ऊपर मंदिर है बाबा विश्वनाथ जी का। अरे तो अब वो चेंज हो गया ना, उसको तो बनना था ना। हाँ हाँ, घाट मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे मतलब 24 आवर होता है सब, मतलब वो होता है अंतिम संस्कार होता है 24 आवर। बता तुमको बनारस के घाट नमन कैसे लगे? घाट तो बनारस के घाट घाट ये लास्ट था, मणिकर्णिका घाट जहाँ जाके दोनों डर गए और वापस आ गए। तो मैं भी मतलब वहाँ आते से गया, क्योंकि सौदार इतने और थे मतलब करीब आपके, हाँ 20-30 थे, डरी गए वापस आके। वो था अंतिम सच किसी भी ह्यूमन का कि उसे आके आना है और उसका एक मतलब हो जाएगा काम तमाम। तो कैसा लगा आपको ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके शेयर करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय जोगी, जय उत्तराखंड।